नमस्कार, मैं कृतिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बात करते हैं आईएमडी की तरफ से जारी मौसम को लेकर किए गए बड़े अपडेट के बारे में। मौसम जिस तरह से अपनी चाल बदल रहा है, उस हिसाब से कहां बारिश और कहां गर्मी का कहर हो रहा है पता नहीं चल रहा है। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के कुछ हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लगातार हो रही बारिश और गर्मी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने शनिवार से अगले 4-5 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों सहित कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। आईएमडी ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अब राजस्थान के जैसलमेर, चूरू, भिवानी, दिल्ली, अलीगढ़, हरदोई, मुरादाबाद, ऊना, पंजाब के पठानकोट और जम्मू से होकर गुजर सकती है। अब कहां और किस दिन कितनी बारिश हो सकती है वो भी जान लेते हैं। 2-3 दिनों के दौरान कई राज्यों में मानसून के आगे बढ़ने से परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। आईएमडी ने कहा कि 29 जून से 3 जुलाई तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है। इसके अलावा 29 जून, 2 और 3 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में, जबकि 30 जून को छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा में और 30 जून से 2 जुलाई के दौरान बिहार में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान अगले 5 दिनों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक, कोणार्क और गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में भी बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। अब मौसम जिस हिसाब से करवट ले रहा है वो कहीं पर राहत तो कहीं पर आफत दे रहा है। अब इन्हीं मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए एबीपी लाइव से जुड़ना ना भूलिएगा।